2012 में RCM इतनी शानदार कंपनी, आज मैं कहूंगा हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग का आईना दिखाने वाली कंपनी, उस कंपनी को 2011 के अंदर बैन कर दिया गया, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही है, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, नथिंग। वो तो RCM के अंदर योद्धा थे मिस्टर सुरेंद्र वत्स, जिन्होंने एक साल प्रदर्शन किया, एक साल वहां पर जयपुर के ग्राउंड में पड़े रहे और अपनी कंपनी को रीओपन कराया। तो इस तरह की प्रॉब्लम से समाज में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के प्रति फेथ खत्म हुआ कि यार ये किसी भी कंपनी के साथ कभी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बेस नहीं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान की कंपनी आई, कुछ लोगों ने 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल मेहनत करके पसीना भागे नेटवर्क बनाया। एक कंपनी है हिसार की, फ्यूचर जिसका नाम था, पूरा फ्यूचर मेकर बोलता हूँ टंके की चोट पे, ठीक है, वो कंपनी आई। बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी उनको रातों रात उसने खत्म किया, बड़े बड़े लीडर्स के नेटवर्क खत्म किए, इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा लालच कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी। लोगों ने 10-10 साल कंपनियों में काम किया था प्रोडक्ट बेस में, लेकिन उनका कैरियर देखा रातों रात चौपट, 2 साल तक उसने पैसा दिया। फिर एक कंपनी आई थी बाइक चलाने वाली, है ना, उसका भी इंजन सीज हुआ। फिर तो आज भी कई सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्के वाली कंपनियां चल रही हैं, तो इन सबको कौन रोकेगा, कैसे रोके? कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं रोक सकती, इनको रोक सकती है संगठन में शक्ति। सारी कंपनियां एक हो जाएं, हिंदुस्तान की सारी लीगल कंपनियां एक हो जाएं।